Hi, good morning everyone. Are you able to hear my voice? Okay. So the next topic that we are going to start with is binomial distribution. ये chapter अभी 50% हो गया, more 50% is pending. So the next part is binomial distribution. Now you just have to copy explanation सब सिखाने के time पे मिल जाएगा. Go on copying. You just have to copy this explanation. I can give only when the problem starts. Okay, is this slide over? Copy this. This is not the first slide. This is the second slide. First slide के ऊपर में almost 5 मिनट था. Okay, now explanation.
एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, इसको बोलते हैं फॉलोज. ओके, बी को क्या बोलेंगे हम लोग? व्हाट इज बी? बट ऑब्वियस है, व्हाट इज बी? करेक्ट, एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स. ये अंदर जो दो चीज है, इनसाइड देयर आर टू थिंग्स, एन कॉमा पी. सो एन एंड पी आर पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. एन एंड पी आर पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. एन क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट्स या फिर सैंपल. नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट्स या फिर सैंपल. एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ओके, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ठीक है, ये स्लाइड पे अभी इतना इंफॉर्मेशन. ठीक है, ओके, आई हैव नॉट येट एक्सप्लेन एवरीथिंग. सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने, इतना समझा क्या जो मैंने बोला. उस बाकी के बारे में मत सोचो. ओके, इजी है टॉपिक, यू विल फाइंड दिस इजी, डोंट वरी. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो इससे भी इजी लगेगा, डोंट वरी. ओके, फिर ऐसा नोटेशन आपने देखा है ना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसा नोटेशन देखा है कि नहीं पहले चैप्टर में? ओके, सो दिस इज हाउ द प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज हाउ द प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा. आई विल हैव टू टेक एन एग्जाम्पल सो दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड. एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 150. एक्सरसाइज 8.3, पेज नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 1. Okay, let us read a problem. Let us read the problem. A die is thrown 4 times. एक डाई से ना चार बार हम लोग फेंक रहे. ओके, यू रिमेम्बर द सैंपल स्पेस फॉर दिस? 8 times t 8 times h, 4 times t 4 times h, वैसे करके इसका सैंपल स्पेस एक प्रॉब्लम में मैंने बनाया था. डू यू रिमेम्बर दैट? हाँ, मैथमेटिकल में. लेकिन 16 इवेंट्स रहेगा, 16 इवेंट्स गौरी. ओके, वन सेकेंड, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया. मैं कॉइन के बारे में सोच रहा था. आई एम रियली सॉरी, मैं कॉइन के बारे में सोच रहा था. इट्स नॉट कॉइन, इट्स डाइस. आई एम सॉरी. तो ये डाइस के बारे में. ओके, इफ डोंट कॉपी दिस. इफ आई एम थ्रोइंग अ डाइस one time, if I'm throwing a dice one time, this is the sample space. Barabar hai? If I'm throwing dice two times, 6,6, this is the sample space. Barabar hai kya? Okay. But then, if I'm throwing a dice 3 times, 4 times, 5 times, uska sample space banana thoda difficult ho jayega. Barabar hai kya? Sample space will be difficult for us to frame. Okay. Have you understood? It's a dice, not a coin. So, मैं पहले coin के बारे में सोच रहा था. That was wrong. It's a dice. It is thrown 4 times. So, उसका sample space बनाना थोड़ा task. Okay. So now see. When I am throwing a dice 4 times. Okay. Same experiment is repeated 4 times. Do you agree with me? Same experiment is repeated 4 times, or the number of trials are 4 times. English ke upar thoda focus karo mere. Same experiment is repeated 4 times, or the number of trials are 4.
डू यू अग्री विथ मी? राइट, ठीक है. तो ये जो ट्रायल्स में बोल रहा हूँ, ये जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में बोल रहा हूँ, ओके, ये जो ट्रायल्स बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में बोल रहा हूँ, फाइन. तो दीज आर बेस्ड ऑन बर्नौली, दीज आर बेस्ड ऑन बर्नौली, दीज आर कॉल्ड एज बर्नौली ट्रायल्स इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. दीज आर कॉल्ड एज बर्नौली ट्रायल्स इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. मैं डाइस एक दो तीन चार बार फेंक रहा हूँ. डू यू अग्री विथ मी? आई एम थ्रोइंग द डाइस फोर टाइम्स. ओके, दीज आर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स. एक दूसरे के साथ कुछ लेना देना नहीं है. दीज आर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ऑलवेज रिमेम्बर दिस. ये जो बर्नौली ट्रायल्स में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होगा या फिर जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा, दिस विल बी इंडिपेंडेंट. ओके, याद रखो ये स्टेटमेंट, याद रखो, दिस विल बी इंडिपेंडेंट ट्रायल्स. अभी देखो, P is the probability of getting a success. Let us read the problem further. P is the probability of getting a success. और success कैसे defined है? Success कैसे defined है? अभी next part पे आ जाओ एमिना. Just listen to me. Okay? अरे n four times है ना सानिया. The dice is thrown four times, so n is equal to four. बार बार वो मत पूछो अभी. P is the probability of getting a success. P is the probability of getting a success. Okay? ये problem में success कैसे defined है? कोई बताएगा मेरे को? Getting an odd number. Getting an odd number. Correct. तो मैं लिखूंगा getting an odd number in one throw. Getting an odd number in one throw. ये बहुत important लिखा है मैंने. ये जो probability है P, it is only for one trial. It is not for four trials. ओके, इसके लिए मैंने इन वन थ्रो लिखा, ठीक है. थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग है, बाद में एकदम स्मूथ हो जाएगा. गेटिंग एन ऑड नंबर इन वन थ्रो, तो जब भी मैं वन टाइम, फर्स्ट टाइम में डाइस थ्रो करेगा, तो उसमें ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. कैन समवन टेल मी हाउ टू कैलकुलेट दिस? हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर वेयर विल गेट एन ऑड नंबर? थ्री इवेंट्स. Three events. Out of how many events? Three events. Out of how many events? Six. Three events out of six events. Clear है क्या? ये देखो, one, two, three, four, five, six. Three events. Out of total six events. Okay? So this is equal to half. This is equal to half. ठीक है. And if possible, नीचे 10, 100 ये नंबर लाओ. If possible, down in the denominator, get a number 10 or 100. तो क्या करेंगे? Compulsion नहीं है, लेकिन मैं ऐसे सिखाता हूँ. Into 5, 5 upon 10. क्लियर है क्या? इन द डिनोमिनेटर इफ पॉसिबल गेट नंबर 10 और 100. ओके, क्यू विल बी 1 माइनस पी, 1 माइनस 5 बाई 10. दिस विल ऑल्सो बी 5 बाई 10. समझा तुम लोगों को ये?
समझा गया। ओके नाउ सी, वंस अगेन एज आई सेड यू, दिस इज गोइंग टू टेक टाइम, थोड़ा मुझे समझाने को आपको टाइम लगेगा। वन सेकेंड, लेट मी जस्ट कमेंट वन और टू स्टूडेंट्स। ओके वन सेकेंड, लेट मी गेट बैक टू द क्वेश्चन। धीरे धीरे करके मुझे ये चीज आपके अंदर इन्फ्यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। एक डाइस कितना बार हम लोग फेंक रहे, एक डाइस कितना बार हम लोग फेंक रहे, चार बार निकल, फोर टाइम्स एज पर द क्वेश्चन, इट इज फोर टाइम्स। सो द नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज फोर, ठीक है। Now don't think about four trials. Think only about one trial. Think only about one trial. What is the probability of getting a success in one throw? In one trial. One trial matlab one throw. One throw of a dice. What is the probability of getting success? It is getting an odd number. That is 3 out of 6. Samja? Half? Okay. तो क्यू क्या है? क्यू तो पी का अपोजिट है। क्यू पी अगर सक्सेस है तो क्यू क्या रहेगा? क्यू क्या रहेगा? कॉमन सेंस के साथ बोलो। करेक्ट, मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन सबका मीनिंग सेम है, कोई गलत नहीं है। आई डोंट वांट टू फोकस ऑन इंग्लिश, लेकिन तुम लोग का मीनिंग तो बहुत सही है, राइट है। अनसक्सेस बोल सकते हो, नॉट सक्सेस बोल सकते हो, फेलियर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब तुम लोग अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। ओके, तो पी अगर सक्सेस है, पी सक्सेस एक ही थ्रो के लिए, तो क्यू विल बी फेलियर फॉर ओनली वन थ्रो। तो क्यू में कौन सा इवेंट आ सकता है, कोई मुझे बता सकता है? उससे कुछ लेना देना नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर योर यू नो नॉलेज। 2, 4, 6 बराबर इवन नंबर। अभी पी और क्यू कितना ट्रायल्स के लिए, एक ट्रायल के लिए कि चार ट्रायल्स के लिए? एक ही ट्रायल के लिए, ओके। लेकिन प्रॉब्लम कितना ट्रायल्स के लिए, प्रॉब्लम कितना ट्रायल्स के लिए? चार ट्रायल के लिए, ओके। चलो अभी मुझे बोलो, ये स्लाइड थोड़ा आपके, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू अंडरस्टैंड 100%, लेकिन थोड़ा तो आपके पेट के अंदर गया क्या? ओके नाउ सी, एक्सपेरिमेंट, डोंट कॉपी दिस नाउ। एक्सपेरिमेंट चार बार कंडक्ट होने वाला है, 1, 2, 3, 4, फोर टाइम्स। तो हर एक ट्रायल में, डोंट कॉपी दिस, हर एक ट्रायल में पी क्यू विल इट बी सेम? अगर ये 5/10 रहेगा तो ये भी 5/10 रहेगा। चलो सेकेंड ट्रायल, दिस विल बी 5/10, दिस विल ऑल्सो बी 5/10, दिस विल बी 5/10, दिस विल ऑल्सो बी 5/10, 5/10, 5/10, बोलो विल इट बी सेम? पी एंड क्यू विल इट बी सेम फॉर ऑल द फोर ट्रायल्स, कंसिडरिंग देम इंडिविजुअली? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस, यस इट विल बी सेम। हर एक ट्रायल में, हर एक ट्रायल में पी और क्यू सेम रहेगा, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। दूसरी बार अगर डाइस फेंकोगे, तभी भी पी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो 5/10 ही आएगा ना। सेकेंड टाइम इफ आई एम थ्रोइंग द डाइस, सेकेंड टाइम चलेगा क्या? और क्यू क्या रहेगा? 1 - p, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटीज विल रिमेन द सेम, ठीक है। अभी आता है क्वेश्चन, find the probability of getting y multiply with 5, okay, वो भी मैं बता देता हूँ। ये 1/2 आया था, he said
गॉड हैज वन अपॉन टू, मैंने क्या बोला, पाई से मल्टीप्लाई करना कंपल्शन नहीं है, दिस इज नॉट, मेरा इंटेंशन क्या था फाइव के साथ मल्टीप्लाई करने का, कैन समवन टेल मी, मैंने क्यों किया? कॉलेज का टीचर नहीं कर सकता है, टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कोई बोलेगा मुझे? डिनोमीटर में टेन लाने के लिए, ठीक है, डिनोमीटर में टेन और हंड्रेड का फायदा होता है कि नहीं, मैं आपको इलेवन से बोलते आ रहा हूँ, डिवीजन में फायदा होता है आगे जाके, ओके चलो नाउ नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू सक्सेसेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू सक्सेसेस, फर्स्ट सब क्वेश्चन इज P of capital X is equal to 2. Exactly two successes. So this will be small x. Okay. Now I'll go back to this formula. ये formula देखो. Go back to this formula. I'll write down this formula. NCX P raised to X Q raised to N minus X. NCX, P raised to X, Q raised to N minus X. ठीक है, चलो वैल्यूज डाल देते हैं. 4C2, P is 5/10. X कितना है बोलो, चलो 2. ओके, और Q 5/10, 4-2, n माइनस एक्स. हाँ, अभी ये जो प्रॉबिलिटी पूछा है ना, टू सक्सेसेस, ऑब्वियसली इट इज फॉर फोर ट्रायल्स, दे आर आस्किंग आउट ऑफ फोर ट्रायल्स एग्जैक्टली टू सक्सेसेस कभी आएंगे, उसका प्रॉबिलिटी कितना है, दे आर आस्किंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? ओके, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस. 4C2, ये मैंने आपको पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ऐसा नहीं है. 4C2, 4 फैक्टोरियल, 4-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. डू यू रिकलेक्ट दिस? NCR, आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर दोज हु स्टिल नॉट रिमेंबर दिस. N-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, 25/100, ये भी 25/100 हो जाएगा, बराबर है? ओके, इसको मैं 1/4 लिखूंगा दोनों को, शुड आई रिड्यूस इट बाय टू 1/4? डोंट डू इट, तो फिर 5/10 करने का फायदा पूरा चला जाएगा, ये 100 मैंने आगे के लिए रखा है. Don't reduce it to 1/4. चलो इतना क्लियर है, ये स्लाइड पे इतना क्लियर है तुम लोग को? प्लीज सम फीडबैक, इतना क्लियर है क्या? बिलीव मी आफ्टर 45 मिनट्स इट इज गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू ऑल. इतना क्लियर है? कॉपी करो, चलो सानिया जी, फॉर एवरी वाई, हर एक स्टेप में जो वाई आप पूछते हो, हाउ आप पूछते हो, मेरे पास उसका आंसर नहीं है, आई एम सॉरी. हाँ, अगर सब लोग को वो क्वेश्चन रहता था तो फिर वैलिड रहता था, आपके पास हर एक चीज में आपको वाई पूछने का रहता है, आई एम रियली सॉरी. टुमारो यू विल आस्क मी सर, लैपटॉप का चार्जर हम लोग मोबाइल के स्लॉट में क्यों नहीं लगा सकते हो, वाई? आई एम सॉरी, आई डोंट हैव आंसर्स फॉर ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस.
सो प्लीज थिंक एंड आस्क, और सुबह सुबह प्लीज लेट मी टीच पीसफुली फॉर अदर स्टूडेंट्स. हर एक लेक्चर में होता है, यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. curiosity rehna chahiye, there is no doubt about it. As a student, as a person, everybody should be curious. Lekin curiosity ka do parts rehte hain. One part of it is being reasonable, and the other part is being unreasonable. So don't get into that unreasonable zone. Abhi main aapko bol bol ke thak gaya hu, aur baki ka students bhi sun sun ke thak gaya hai. Yes. आगे बढ़ता हूं मैं. 4 फैक्टोरियल, 4, 3, 2, 1, ये 2 फैक्टोरियल हो गया ना. ये 2 फैक्टोरियल को मैं 2 into 1 लिखता हूँ, और आगे भी एक 2 फैक्टोरियल है, उसको भी मैं 2 into 1 लिख दिया मैंने. इसको भी 2 into 1 लिख दिया. 25 upon 100, 25 upon 100, I'll keep it as it is. ठीक है, तो ये कैंसलेशन हो जाएगा. ओके, नाउ सी, 6 into 6, 25 upon 10,000. ये 625 राइट ना? आई बिलीव माई स्क्वायर इज नॉट रॉन्ग. इंटू 6 upon 10,000, ऊपर का मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे. 3750 आ रहा है मुझे. आप लोगों को कितना आ रहा है? इतना ही आ रहा है. नाउ यू टेल मी, अभी बोलो. नाउ यू टेल मी, वॉज इट बेनिफिशियल फॉर मी टू टेक दैट 10, 100 डाउन? वॉज इट बेनिफिशियल फॉर अस टू टेक दैट 10 or 100 डाउन? दैट यू डिसाइड. ओके, ये फर्स्ट सब क्वेश्चन क्लियर था सब लोग के लिए? ओके, सेकेंड सब क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेसेस, एटलीस्ट 3 सक्सेसेस. ओके, अभी सबसे पहली बात, एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू. नोट डाउन करके रखो, ये लीनियर प्रोग्रामिंग में भी काम में आने वाला है. एटलीस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन मेनी चैप्टर्स. एटलीस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. ये देखो, जल्दी देखो लास्ट स्लाइड, प्लीज प्लीज जल्दी करो. ओके, सो एटलीस्ट इज 3 सक्सेसेस. सो एटलीस्ट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू पीपल इज, एटलीस्ट 3 सक्सेसेस आउट ऑफ हाउ मेनी सक्सेसेस? आउट ऑफ हाउ मेनी सक्सेसेस? सिक्स नहीं, इट विल बी एटलीस्ट 3 सक्सेसेस आउट ऑफ 4 ट्रायल्स. एक इवेंट में 6, एक जो ट्रायल है उसमें 6 इवेंट है. आई एम नॉट आस्किंग दैट वे. एक जो ट्रायल है, देयर आर 4 ट्रायल्स राइट, उसमें 6 इवेंट्स है, दैट इज ओके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट आई एम आस्किंग यू, एटलीस्ट 3 सक्सेसेस आउट ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायल्स? 4 नंबर ऑफ ट्रायल्स. ओके, तो ये कहां तक जाएगा? P of x equal to 3, P of x equal to 4.
चार बार मैं ये गेम खेल रहा हूँ डाइस फेंकने का, चार बार, तो कम से कम 3 बार सक्सेस आ जाना चाहिए। ओके, सो आई स्टार्टेड एटलीस्ट 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4 भी आ सकता है ना। एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इट इज वन एंड द सेम। ओके ठीक है, चलो इतना समझा गया तुम लोग को, तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसके आगे जा सकता हूँ क्या? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, 6 ऐसे आगे जा सकता हूँ मैं? कैन आई गो अहेड? नहीं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स ही 4 है, देर आर ओनली 4 नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस, लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। P of x is equal to 3. This is x. N C x. P raised to x. Q raised to n minus x. Okay. 4 C 3. Pi by 10 raised to 3. Pi by 10 raised to 4 minus 3. 4 factorial. 4 minus 3 factorial. 3 factorial. 125 by 10. 125 by 1000, 5 by 10. चलो कॉपी दिस, मेक इट क्विक, आई विल वेट फॉर यू। बहुत जन का आगे जाके कंप्लीट भी हो सकता है ये, इसको आगे कंप्लीट करने के पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 भी कैलकुलेट करो और दोनों को ऐड करो इक्वेशन में, उनमें डाल के। डू इट ऑन योर ओन, दोज़ हू वांट टू डू इट ऑन योर ओन कैन डू इट ऑन योर ओन, डोंट सेंड मी द आंसर, वेट फॉर मी। क्रिश, कैसा है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना, बाइनोमियल में ना मेंशन रहेगा, पॉइजन में मेंशन नहीं रहेगा। योर योर डाउट इज वेरी वैलिड, लेकिन बाइनोमियल में ना नंबर ऑफ ट्रायल्स हमेशा मेंशन रहेगा, पॉइजन में ना मेंशन नहीं रहता है। 99% ऑफ द टाइम्स पॉइजन में नहीं होते, एक दो इंस्टेंसेस ऐसा रहता है जहाँ पे वो मेंशन रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ू क्या बाद में? डोंट आस्क मी टू कम बैक ऑन दिस स्लाइड। ओके, अच्छा प्रायर टू दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, वॉट इज 0 फैक्टोरियल? सब लोग बोलो, वॉट इज 0 फैक्टोरियल? 1। ओके, सो नाउ सी 4 फैक्टोरियल, अब ये सबसे पहले 4 फैक्टोरियल है, ये 1 फैक्टोरियल है और ये 3 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखता हूँ? 4, 3, 2, 1। 1 फैक्टोरियल को 1 और 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1, and this will be 625 upon 10,000. Okay, 3 2 3 2 gaya. Okay, what is 625 into 4? 100. 2500, if I'm not wrong. Which is equal to 0.25. Okay. Now P of x equal to 4. Now this time this is x. N C x. P raised to x. Q raised to n minus x.
4c4 5 by 10 raised to 4 5 by 10 raised to 0 4c4 n4 है ना इसके लिए 4। अच्छा कोई मुझे इसका वैल्यू बता सकते हैं 5 by 10 रेज टू 0 इसका वैल्यू? एम आर रॉन्ग, वेरी बैड। जियोन रॉन्ग, एनीथिंग रेज टू 1 क्या रहता है, 0 क्या रहता है, 1 ना। बी केयरफुल गाइस, ओके। सो सी 4c4, आई गो विद दिस कैलकुलेशन। 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 5 रेज टू 4 इज 625, 625 अपॉन 10,000, 4 0 आएगा ना, रेज टू 4 है ये, तो सेम टर्म है, इसके लिए कैंसिल हो गया। 4 फैक्टोरियल सेम टर्म है, तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, दिस इज 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, 625 अपॉन 10,000, सो दिस इज 0.0625, बराबर है क्या? फीडबैक प्लीज, प्लीज गिव मी फीडबैक। ओके सो आई राइट फ्रॉम 1 पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इक्वल टू 0.5 प्लस 0.0625 5625। दिस वॉज द सेकेंड सब क्वेश्चन। Let us go to the third sub question. Those who have copied this, we can also go with the next sub question. मैं रुक रहा हूँ, those who are still copying, I'll just wait. प्रोबेबिलिटी हैज टू बी इन डेसिमल, संस्कार 0 और 1 के बीच में ही रहते हैं ना हमेशा, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं 1 से ज्यादा नहीं। चैप्टर का नाम ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1। चलो हो गया क्या ये, हैव यू डन दिस, आर यू डन विद दिस? ओके थर्ड सब क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 सक्सेसेस, देयर आर एटमोस्ट 2 सक्सेसेस, एटमोस्ट इज लेसर देन और इक्वल टू, देयर आर 4 ट्रायल्स, तो 4 में से कम मैक्स टू मैक्स 2 सक्सेसेस मिलना चाहिए, सो लेसर देन और इक्वल टू 2, सो आई विल स्टार्ट विद 2।
अभी टू को बढ़ाने का है कि टू को कम करने का है? आर वी सपोज टू इंक्रीज टू और आर वी सपोज टू डिक्रीज टू? टू को बढ़ाने का है कि टू को कम करने का है? लेस देन है ना, तो टू को कम करने का है. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन. कैन देयर बी जीरो सक्सेसेस? देयर कैन बी टू सक्सेसेस, देयर कैन बी वन सक्सेसेस आउट ऑफ फोर, देयर कैन बी जीरो सक्सेस. जीरो टाइम सक्सेस भी मिल सकते हैं, तो जीरो को भी इंक्लूड करना है. डोंट फॉरगेट दैट जीरो. ओके, इसमें से हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस इन द फर्स्ट पार्ट. डू यू अग्री विद मी? ये हम लोग ने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया. ये देखो, इसका आंसर अपने पास ऑलरेडी है, सो वी आर नॉट गोइंग टू रीकैलकुलेट इट. नाउ पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन. एन सी एक्स p raised to x q raised to n minus x 4c1 pi by 10 raised to 1 pi by 10 raised to 3. Okay, 4 factorial, 4 minus 1 3 factorial, 1 factorial, pi by 10, 125 by 1000. Okay, ऊपर 4, 3, 2, 1, नीचे 3, 2, 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 625 बाय 10,000. 3, 2 कैंसल, 625 इंटू 4 कितना होता है? 2500. ओके, यू ऑल्सो टेल मी वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर ऑर नॉट. तानिया जी सैल्यूट आपके लिए. अब 525 क्यूब को मुझे 225 बोल रहे हो. अरे बोल रहा हूँ 5 क्यूब 225 नहीं है, बार बार वो भेज रहे हो मुझे. ट्वेंटी फाइव ये भी आपने लिख के भेजा. आपका एक ही इंटेंशन है, यू मेक मी लुक बैड इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स, बाकी कुछ नहीं. आपका वो ऑब्जेक्टिव है. अच्छा ये क्लियर है ना सब लोग को? P ऑफ x इक्वल टू जीरो. P ऑफ x इक्वल टू जीरो. ओके, बार बार मैं आपको ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, सो दैट यू नो आपके दिमाग में रहेगा ये फॉर्मूला. सो मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू राइट दिस टुडे. एंड मेक इट क्विक, अभी थोड़ा सा जल्दी. 4c0 पाई बाय 10 रेस टू 0 पाई बाय 10 रेस टू 4 माइनस 0. 4c0 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, ये तो 1 हो गया. पाई बाय 10 रेस टू 0 इज 1, पाई बाय 10 रेस टू 4, 4 फैक्टोरियल डाउन ऑल्सो 4 फैक्टोरियल इंटू 1, 625 upon 10,000, 0.0625 बराबर है क्या?
कैलकुलेशन डिफिकल्ट लग रहा है आप लोग को? ओके अभी क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू डू इट. जियोन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? विक्रोली ब्रांच ओके. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, राइट डाउन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू इसका वैल्यू है 0.25, इसका वैल्यू 0.0625, और x इज इक्वल टू टू का वैल्यू कितना आया था? x इज इक्वल टू टू का वैल्यू है 0.375, राइट, 0.375. चलो तीनों का एडिशन करके बताओ मुझे, आंसर मिलेगा फाइनल. नाउ प्लीज आई एम एक्सपेक्टिंग राइट आंसर्स ओवर हियर. डोंट मेक मी टू टीच दिस. मुझे दो तीन आंसर आए, तीनों आंसर रॉन्ग है. आई रियली डाउट व्हाट यू पीपल हैव डन इन स्कूल. अभी सब राइट आंसर्स आ रहे हैं. करेक्ट, 0.6875, 0.6875. हाउ आई विल सॉल्व दिस? मैं तो इसको ऐसा सॉल्व करूंगा, मुझे पता है कि मिस्टेक हो सकता है तो मैं ऐसा सॉल्व करूंगा. लेकिन एज अ टीचर आई विल सॉल्व दिस, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो आई विल सॉल्व दिस. तुम लोग ने कैसा किया जिसको रॉन्ग है पता नहीं. ओके ये 0.25 नहीं है, x इज इक्वल टू 1, 0.25 नहीं है. नेक्स्ट प्रॉब्लम, अरे बाबा 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 क्या भूलने का अभी. 0 0 कैंसिल होता है, 25/100 कितना होता है? 25/100 नहीं आता है तो फिर डेसिमल में कन्वर्ट करने को, तो फिर लीव दिस सब्जेक्ट, अगले साल एसपी के साथ बैठ जाओ. ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम, आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम? ओके अभी मेरे को एक बात बोलो, अगर पी मुझे 1/7 आया, पी मुझे 1/7 आया, तो इसको मैं नीचे 10 या 100 बना सकता हूँ क्या? 7 को नहीं बना सकते हम लोग, मतलब इजीली नहीं बना सकते. ओके ए जल्दी करो यार, अभी नाउ डू इट क्विक, ये ऐड करने को इतना क्या टाइम लग रहा है तुम लोग को? अगर तुम लोग को मैथमेटिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है, देन आई एम वरीड फॉर यू आल्सो इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स. कल ही मैं जतिन सर के साथ बात कर रहा था कि इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एकदम डेंजरस है. ये 5 आएगा, ये 7 आएगा, ये 12 + 6 = 18, और इधर 6 आएगा. देखो क्या क्या कौन से लेवल पे जाके मुझे सिखाना पड़ रहा है,
अभी तक अपना एक ही चैप्टर रहता था। बट एंड नाउ स्टिल इसके आगे अपना दो चैप्टर और पेंडिंग है। ठीक है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनीवन। नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर टू। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो अभी हम लोग एक डाइस नहीं थ्रो कर रहे, हम लोग कितना डाइस थ्रो कर रहे हैं? दो डाइस थ्रो कर रहे हैं, दो डाइस थ्रो कर रहे हैं। और ऐसा कितना ट्रायल्स होने वाले हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स वी आर गोइंग टू डू दिस? 3 टाइम्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अपना एक ट्रायल में, एक ट्रायल में, तीन ट्रायल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 3 बार की बात नहीं कर रहा हूं, एक ट्रायल में कितना बार डाइस थ्रो होने वाला है? एक ट्रायल में कितना बार डाइस थ्रो होने वाला है? एक ट्रायल में 2 बार। तो ऐसा कितना नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ऐसा कितना नंबर ऑफ ट्रायल्स है? 3 टाइम्स वी आर गोइंग टू डू दिस, 3 टाइम्स वी आर गोइंग टू डू दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, सो पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। गेटिंग अ डबलेट इन वन थ्रो, गेटिंग अ डबलेट इन वन थ्रो, या फिर वन थ्रो या वन ट्रायल। ओके, नाउ थिंक, आपको भगवान ने कॉमन सेंस दिया है, उसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं। एक ट्रायल में हम लोग 2 बार डाइस थ्रो करने वाले हैं, एक ट्रायल में 2 बार डाइस थ्रो करने वाले हैं, ऐसा 3 बार हम लोग करने वाले, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही बार के बारे में सोचते हैं। एट अ टाइम वन ट्रायल, और एक ट्रायल में हम लोग 2 बार डाइस थ्रो करने वाले हैं। डबलेट कभी कभी आएगा? कितना इवेंट्स में आएगा डबलेट? व्हाट इज अ डबलेट? वन वन, टू टू, थ्री थ्री से लेके सिक्स सिक्स, दिस आर ऑल डबलेट्स ना। तो ये कितना इवेंट्स हो गया, कितना इवेंट्स हो गया ये? वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, दिस आर सिक्स इवेंट्स आउट ऑफ, सिक्स इवेंट्स आउट ऑफ 36 इवेंट्स। बराबर। सो पी इज इक्वल टू 1/6। अंडरस्टूड? पी इज इक्वल टू 1/6। क्यू इज इक्वल टू 1 - पी, 5/6। अंडरस्टूड? ठीक है। हाँ, और ये आपको, ये जब भी आप मैथ्स वन मैथ्स टू करते रहोगे, नवनी डाइजेस्ट लेके बैठना, टेक्स्ट बुक में बहुत सारा मिस्टेक्स है इन द फाइनल आंसर्स, क्वेश्चन में भी मिस्टेक्स रहेगा, इसके लिए ऑलवेज सिट विद द नवनीत। राइट क्वेश्चन वहां पे मिलेगा आपको, राइट क्वेश्चंस, राइट आंसर्स। मेथड उन लोग का फॉलो मत करो, मेथड मेरा फॉलो करो। चलो, ये पेज क्लियर है सब लोग को? ओके, फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ टू सक्सेस। कोई बताएगा इसका शुरुआत किधर से करना है? आस्किंग फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ टू सक्सेस। बोलो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू, सिंपल, एक ही चीज पूछा है देखो। एन सी एक्स p रेस टू एक्स, q रेस टू एन माइनस एक्स, एन इज वॉट, थ्री, थ्री सी टू, p क्या है? 1/6, 1/6 रेस टू टू, एक्स इज टू ना, q इज 5/6, 3 - 2, ओके, 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1/36, ये तो 1 हो गया, सो दिस विल बी 5/6। कॉपी करो।
मैं 6 को 10 नहीं बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ भी करके 10 नहीं बना सकता हूँ 6 को। देखो प्रीवियस स्लाइड जिसको देखने का था, जल्दी करो ये। थ्री फैक्टोरियल इज 3 × 2 × 1, नीचे 2 × 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, एंड दिस इज 1 फैक्टोरियल। व्हाट इज 1 फैक्टोरियल? वन। और ये 1/36, 5/6 को ऐसे ही लिखूंगा मैं, 1 1/36, 5/36, 5/6 सॉरी। ओके ये 3 2s और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, 5/72। डिवीजन इज डिफिकल्ट, लिव इट एज इट इज, लेकिन रिड्यूस करते जाने का, अगर 6/72 रहता तो 1/36 लिख देता हूँ, या फिर 5/72 के लग जाएंगे, वी कैन नॉट रिड्यूस इट फर्दर। डन। डिफिकल्ट है ये? कॉपी करो, नेक्स्ट थर्ड वन। There are 10% defective items in a large bulk of items. There are 10% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 4 items will include not more than 1 defective item? ठीक है, सबसे पहला सैंपल ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स कितना है वो बोलो। हम लोग जो डिफेक्टिव आइटम्स पुल आउट करने के या नहीं करना है, पुल आउट करना है, एक आइटम पुल आउट करना है, तो ऐसा कितना बार हम लोग करने वाले हैं? हाउ मेनी आइटम्स आर वी गोइंग टू पुल आउट एंड चेक, हाउ मेनी टाइम्स? 4 times। एक बल्क ऑफ आइटम्स है, उसमें से हम लोग को एक एक आइटम्स को पुल आउट करने का, हाउ मेनी टाइम्स आर वी गोइंग टू डू दैट, हाउ मेनी टाइम्स एज पर द प्रॉब्लम? 4 times, करेक्ट, इट इज गोइंग टू हैपन 4 times। अभी आगे P is nothing but probability of getting a defective item. Is equal to 10%, 10/100, 1/10. मतलब फर्स्ट टाइम, 4 times में से फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम इंडिविजुअली अगर हम लोग करेंगे तो डिफेक्टिव आइटम आने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 1/10। क्यू तो उसका अपोजिट रहेगा, 1 - p, दिस विल बी 9/10। अंडरस्टूड?
ओके चलो, ये स्लाइड क्लियर है क्या सब लोगों को? ओके, नाउ दे आर आस्किंग नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम रहना चाहिए. नॉट मोर देन वन का मतलब ये है, मोर देन वन नहीं रहना चाहिए. इसके लिए मैंने वो लाइन ड्रॉ किया उसके ऊपर, मोर देन वन डिफेक्टिव नहीं रहना चाहिए, ग्रेटर देन वन नहीं रहना चाहिए. इसके लिए वो रेड कलर का लाइन से मैंने स्ट्राइक आउट किया. समझा गया तुम लोगों को? फीडबैक ओके. अभी नॉट मोर देन वन का मतलब क्या है मैथमेटिकली? नॉट मोर देन का अपोजिट क्या है? लेस देन और इक्वल टू, बराबर है क्या? लेस देन भी और इक्वल टू भी टू नंबर्स, दो नंबर्स जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं, देर आर थ्री केसेस, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू. तो नॉट मोर देन अगर ये केस रूल आउट करते हैं तो ये दोनों बचेगा ना, लेस देन और इक्वल टू. ठीक है, वन से शुरू होगा, खत्म कहां पे होगा? जीरो पे. वन से शुरू होगा, खत्म जीरो पे हो जाएगा. जीरो टाइम्स डिफेक्टिव आइटम मिलेंगे फिर. इक्वेशन नंबर टू, वन सॉरी, p ऑफ x इक्वल टू वन, दिस इज x, आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला, एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, एन फोर है, सी वन, पी कितना है? 10%, मतलब 1/10 आया था, 9/10 रेज टू थ्री, बराबर है क्या? ठीक है, 4C1 का आंसर क्या रहेगा? कैलकुलेट करके बताओ मुझे 4C1 का आंसर. यू कैलकुलेट एंड टेल मी. फोर सी वन इज फोर इंटू 1/10. 9 क्यूब कितना रहता है? 729. 10 क्यूब, 10 क्यूब इज 1000. चलो बराबर है क्या? सेवन ट्वेंटी नाइन इंटू फोर करो, अपॉन 10,000. 729 इंटू फोर 729 into 4. चलो आंसर बताओ x is equal to 1 का, is it 0.2916 2916? ओके, डिफिकल्ट है ये कैलकुलेशन? वॉज इज डिफिकल्ट? अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले? x इज इक्वल टू वन तो हो गया,
अभी एक्स इज इक्वल टू जीरो कैलकुलेट करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज एक्स, एन सी एक्स, p raised to x, q raised to n minus x, 4c 0, 1 by 10 raised to 0, 9 by 10 raised to 4, बराबर है क्या? 4 minus 0 will be 4. फोर सी जीरो विल बी वन, दिस इज वन, नाइन रेज टू फोर, 9 raise to 4 is 36 into 36 भी कर सकते हो, 729 into 9 भी कर सकते हो. कितना तक? 6561. ये समझा तुम लोगों को? Have you understood how 4C0 is equal to 1? ये कैसे आया समझा क्या? जीरो फैक्टोरियल 1 रहता है. क्लियर है? ओके, नाउ फ्रॉम वन राइट द सेम स्टेटमेंट वंस अगेन. फ्रॉम वन राइट डाउन दिस इक्वल टू, ये दोनों का वैल्यूज डाल दो, ये दोनों का वैल्यूज कैलकुलेट किया ना डाल दो, फाइनल आंसर क्या देता हूँ देगा बताओ. टेल मी व्हाट इज द फाइनल आंसर. जीरो पॉइंट नाइन फोर सेवन सेवन ऐड करो बराबर से. डन. क्या देखो, ओके, डन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. फाइव कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. अपने पास 52 कार्ड्स है. फाइव कार्ड्स वी आर ड्रॉइंग वन आफ्टर अदर विथ रिप्लेसमेंट. सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक विथ रिप्लेसमेंट. ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है कार्ड निकालने का, ये हम लोग कितना बार करने वाले हैं या नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना रहेगा, कोई बता सकते? फाइव टाइम्स वी आर गोइंग टू पुल आउट
कार्ड फाइव टाइम्स ना, तो एवरी पुल इज वन ट्रायल. ओके, प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें, पी क्या है, पी क्या है, कोई बताएगा मेरे को? पूरा प्रॉब्लम पढ़ के कोई बताएगा पी क्या है? फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट ऑल फाइव कार्ड्स आर स्पेड्स, ओनली थ्री कार्ड्स आर स्पेड्स, नन इज अ स्पेड, एक भी स्पेड नहीं है. ओके, सो प्रॉब्लम किसके ऊपर बेस्ड है ये प्रॉब्लम है ना. कार्ड्स तो ठीक है, लेकिन कार्ड्स में से कौन सा एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बेस्ड है ये स्पीड्स के ऊपर बेस्ड है. अंडरस्टूड? सो पी इज द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पीड इन वन ड्रॉ, मतलब एक पुल में. फर्स्ट टाइम अगर हम लोग निकालेंगे, या सेकेंड टाइम, या थर्ड टाइम, या फोर्थ टाइम, या फिफ्थ टाइम, लेकिन एट अ टाइम ओनली वंस इन वन ड्रॉ, मतलब एक ही बार, एक ही ट्रायल में. ओके, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, हाउ मेनी स्पेड्स आर देयर, टोटल स्पेड्स कितने हैं? स्पेड मतलब भी है ना, ऐसा ही कुछ तो रहता है ना, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर ना कि गोल्डन कलर. सर हाउ डू वी नो स्पीड? प्रॉब्लम पढ़ो ना, प्रॉब्लम पूरा पढ़ो. दे आर आस्किंग ऑल प्रोबेबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू स्पीड. तो प्रॉब्लम के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज स्पीड. समझा ये मीमा? आगे जाके पूरा प्रॉब्लम पढ़ो, सब स्पीड स्पीड से रिलेटेड. वन स्पीड, ओके. देखो कैसा है कि पांच बार ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होने वाला है, पांच बार ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होने वाला है. तो हर एक बार आई एम गोइंग टू फोकस माय अटेंशन ऑन स्पीड ओनली ना. ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन स्पीड. ओके, सो 13 स्पीड्स आउट ऑफ 52, 1/4. ठीक है, ओके. अभी मैं इसको 100 कर सकता हूं नीचे, लेकिन थोड़ा सा वो इन वन ड्रॉ हाउ कैन बी ऑल फाइव स्पीड्स, क्या पूछ रहे हो आप? प्रॉबिलिटी कैलकुलेट करने के टाइम पे एक ही ट्रायल कंसिडर करते हैं, आगे पूरा प्रॉब्लम पांच ट्रायल्स के लिए. प्रॉबिलिटी कैलकुलेट करने के टाइम पे एक ही स्पीड कंसिडर कर रहे हैं, एक ही ट्रायल कंसिडर कर रहे हैं. प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करने के टाइम पे एक ही ट्रायल कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आगे जाके पांच ट्रायल्स के लिए हो जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीवन? ओके, तो मैं 25 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये, लेकिन लेट अस सी हाउ इट वर्क्स आउट लेटर. लेट अस सी, बाद में देखते, पहले इतना फोकस करो. नीचे 100 आया, देखो अभी U will be 1 minus P, 75 upon 100. 75 upon 100. ठीक है? P and Q are probabilities of success and failure respectively only for one trial. Is it for five trials? No, obviously not. It is only for one trial. ठीक है, अभी पांच ट्रायल्स के बारे में सोचो. अभी पांच ट्रायल्स अगर कंडक्ट हो रहा है, ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग पांच बार कर रहे हैं, तो पांचों का पांच टाइम आपको स्पीड आएगा. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पीड्स फॉर ऑल द फाइव टाइम्स, ऑल द फाइव कार्ड्स, मतलब पांच बार हम लोग कार्ड पुल कर रहे हैं. सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5. एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. ओके, ये जल्दी करो रे.
Out of five times, all the five cards are spades. So P of X equal to five. All the five cards are spades. ये फर्स्ट वाला समझा, किसको नहीं समझा सिर्फ बोलो, फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन. ऑल द फाइव कार्ड्स आर स्पेड्स, पांच बार में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूँ, पांच बार ट्रायल्स है, तो पांचों में से फाइव टाइम्स, फाइव आउट ऑफ फाइव टाइम्स अपने को स्पेड आने वाला है. सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव. ओके, पी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव. फाइव सी फाइव, ओके, 25/100 raised to 5, 25/100 raised to 5 - 5. फाइव सी फाइव कितना होता है? फाइव सी फाइव वन. ओके, ये लास्ट वाला भी वन रहेगा, ये चीज भी वन रहेगा. फाइव सी फाइव इज वन. ओके, ये फाइव सी फाइव वन ही आ रहा है ना, समवन इज सेइंग फाइव. हाउ वन? नहीं सानिया, कैलकुलेट करो, यू आर द ओनली वन गिविंग मी द रॉन्ग आंसर्स. बाकी सब लोग ने वन बोला है, आप ही फाइव बोल रहे हो और ऊपर से मेरे को ही पूछ रहे हो. बाकी सब सब लोग गलत है क्या? सबको अगर प्रॉब्लम है तो मैं डेफिनेटली सॉल्व करता हूँ. आई थिंक मे बी यू हैव टेकन द रॉन्ग सब्जेक्ट. या 25 raised to 5, 25 raised to 5 बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन है ये. ओके, डिफिकल्ट बोलने से अच्छा इट इज अ बिट टाइम कंज्यूमिंग. 25 raised to 5, ठीक है, तो ये 625 होगा, ये 625 होगा, ये 25, 625 इंटू 625 इंटू 25. कोई बोल सकता है इसका आंसर? किसने बचपन में वैदिक मैथ्स बिट्स किया रहेगा, बताओ जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके. मैंने तो नहीं किए, हेंस आई एम आस्किंग यू. यस रोमिल, आई विल वेट फॉर अदर्स. रोमिल आपका आंसर, हेत आपका आंसर मैच हो रहा है एक दूसरे के साथ, वो राइट आंसर रह सकते हैं सर. नाइन सेवन सिक्स फाइव सिक्स टू फाइव, 9765625. ओके, सो दिस विल बी 9765625 अपॉन, ये दो जीरो है, तो दो दो जीरोस का ग्रुप पांच बार रहेगा. अंडरस्टूड? फाइव टाइम्स है ना रेस टू फाइव, तो फाइव टाइम्स इट विल बी. ठीक है, ये कितना डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, ओके, तो बाकी का तीन जीरोस को कैसे एडजस्ट करने का, बाकी का तीन जीरोस को कैसे एडजस्ट करने का? 9 के पहले तीन जीरोस डाल दूं ना मैं, और ये इनटू है, दिस इज इनटू 0.00097656625 बराबर है क्या? यस टेल मी, हैव यू गॉट दिस? अभी 25 raised to 5 मेरे को बहुत जन ने सॉल्व करके बताया, सिंसियरली सॉल्व करके बताया.
ये तो लेंदी है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाउ नहीं सानिया, हाउ भी कुछ नहीं, यू डू इट। मैं स्कूल सेक्शन का टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्कूल सेक्शन टीचर। ए गाइज यू वेरीफाई, शी इज सेइंग समथिंग एल्स। ये राइट है क्या? 625 इंटू 625 इंटू 25, राइट है ना? ओके फाइन, सब लोगों को वही आ रहा है। आप देखो अपना थोड़ा मैथमेटिक्स के पीछे मेहनत करो। ओके अपॉन कितना? 1 2 3 4 5 6 10 जीरोस रहेगा, राइट ना? 100 था ना, तो दो दो का पेयर आएगा ना रेज टू 5 में, बराबर है? ओके तो यहां से लेके यहां तक कितना डिजिट से? 7। ये 7 डिजिट्स को ये 7 जीरोस ने कवर अप किया, बराबर है? ये 7 डिजिट्स को ये 7 जीरोस ने कवर अप किया। फिर बचा 3 जीरोस। हाउ टू मैनेज थ्री दिस 3 जीरोस? 0 पॉइंट के आगे 3 जीरोस रहेगा, 9 7 6 5 6 2 5, बराबर है क्या? इज दिस क्लियर फॉर यू एवरीवन? आई एम जस्ट आस्किंग यू। ये डेसिमल पॉइंट का तो मैं बता सकता हूँ, चलो किस किस को प्रॉब्लम रह सकता है, ठीक है? ओके नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, 5 ट्रायल्स होने वाले हैं, 5 बार अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है, उसमें से सिर्फ 3 कार्ड्स आर स्पेड। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, दिस इज एक्स, एन सी एक्स, पी रेस टू एक्स, क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ओके सो 5C3 25/100 रेस टू 3। एक सेकेंड, यहाँ पे है ना, 1 सेकेंड, मेरे से एक गलती हो गया। शुड बी 35, समवन रियलाइज दिस? ये 75 रहना चाहिए ना, 75/100। ओके बट एनी विच वे उसका आंसर 1 ही आने वाले, उसका आंसर 1 ही आने वाले। 75/100 रेस टू 0 विल बी 1, ठीक है? लेकिन बी केयरफुल, 75/100 रेस टू कितना? 5 -3 2 होता है, 5 -3 2 होता है, 5C3 आंसर बोलो। चलो आंसर बोलो, π/3 कितना है, जल्दी बोलो। ओके π/3, ये आंसर अलग अलग बोल रहे तू, कौन सा वाला राइट है तेरा? 15/6 इज रॉन्ग, फ्रैक्शन कभी आएगा ही नहीं कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का आंसर। π/3, π/4 3 2 1, π -3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये दोनों गया ये दोनों गया, आंसर इज 10, आंसर इज 10। मुझे तो 10 आ रहा है। 25 क्यूब, कोई बताएगा? 25 × 25 × 25 मतलब 625 × 25। वन फाइव सिक्स टू फाइव, कैलकुलेशन तो लेंदी है नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इज इट वेरी ट्रबलसम?
75 स्क्वायर, 75 स्क्वायर बाय 625। फाइव 625 इज करेक्ट। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल कर दो, जीरोज वी कैन कैंसिल, जीरोज वी कैन कैंसिल, ठीक है। मल्टीप्लाई करो ये दोनों को, चलो नीचे का जीरोस को टच मत करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। आई होप अभी तो आप लोग राइट आंसर दोगे, पहले भी दिया था सब लोग ने, ऑलमोस्ट सब लोग ने आंसर दिया था राइट। मल्टीप्लाई करो, चलो तुम लोग का मल्टीप्लीकेशन कितना स्ट्रांग है पता चलेगा। ये प्रॉब्लम तो डाइजेस्ट वालों ने भी है ना गलत सॉल्व किया, डाइजेस्ट वालों का सोल्यूशन गलत है इसमें, उन लोगों ने पी और क्यू ही गलत लिए। Some students are replying 8789025। अभी तक सब लोग वही आंसर दे रहे हैं, मुझे इसका आंसर आया नहीं। सिंपल मल्टीप्लीकेशन देखो मेरा, 8789025 बराबर है क्या? सब लोग को वही आंसर आ रहा है, सो आई टेक इट द सेम थिंग। Then there are 5 zeros and there are 4 zeros. 5 plus 4, 9 zeros. Okay. तो ये 8 digit है, 8 zeros को cover up किया, एक ही zero बचा है, क्या करूँ? Answer तुम लोग बोलो मुझे, final answer क्या लिखो? ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हम लोग, जो अपने को पता है वही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडजस्टमेंट ऑफ जीरोस, वही कर रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं कर रहे। तानिया आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, सॉरी। आपका ही वैल्यू में करेक्ट पकड़ू क्या सानिया? बाकी सब लोग क्या गलत है क्या इधर लेक्चर में? और अदर स्टूडेंट्स आर रॉन्ग, यू आर राइट। लास्ट सम इज ओवर, उसमें हो गया सब कुछ, आप अपना मल्टीप्लिकेशन स्किल्स के ऊपर थोड़ा वर्क करो। If you want to approximate, you can. Sorry. लेकिन प्रीवियस प्रॉब्लम में अप्रोक्सीमेट करोगे तो जीरो ही आ जाएगा ऑलमोस्ट, है कि नहीं? इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, ये वाला नंबर तो छोड़ दो ऐसे, ठीक है। This is
यस वी कैन अप्रोक्सीमेट इसको करने का अप्रोक्सीमेट, सो दिस विल बी 0.00, आई थिंक यू कैन टेक इट वन, है कि नहीं? कर सकते हो अप्रोक्सीमेट, नॉट अ प्रॉब्लम. या क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, वो थर्ड सब क्वेश्चन इज पेंडिंग ना, थर्ड वाला पेंडिंग है, सॉरी. नो कार्ड इज अ स्पेड, एक भी कार्ड स्पेड नहीं है, नॉट अ सिंगल कार्ड इज स्पेड. क्या चाहिए आपको? यस यस करेक्ट, थर्ड कर रहा हूँ ना मैं, ये देखो. नो 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 कार्ड इज अ स्पेड मतलब जीरो कार्ड आर स्पेड, जीरो कार्ड आर स्पेड. एन सी एक्स ई रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, पाई सी जीरो, 25/100 रेस टू जीरो, 25/100 रेस टू 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 कितना रहता है 5. पाई सी जीरो कितना है? पाई सी जीरो वन, और ये भी वन है, 75/100 रेस टू 5. ये घर पे कैलकुलेट करो, अभी नहीं, डू इट एट होम. ठीक है, थोड़ा आपका स्किल्स इंप्रूव करो मल्टीप्लिकेशन का घर पे आराम से बैठ के. पी इज 25/100, पी इज 25/100, ये देखो पी 25/100 है, क्यू 75/100. हाउ? अरे बाप रे जी, मैं आपके साथ क्या बोलूँ आपको, दिया है ना, ये देखो आपको दिखाया भी मैंने, 25/100 पी 25/100 स्टार्टिंग में किया मैंने. जनरली कैटेगराइजेशन ऐसा होता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड इंटेलिजेंट पीपल एंड नॉन इंटेलिजेंट पीपल. ओके, तो मैं यहाँ पे हूँ, अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो ओवर हियर. ओके, इधर सिर्फ एक ही चीज है, तानिया. हम लोग ये कैटेगरी में, आज से आप ये कैटेगरी में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5. देखो हाँ, ये संस्कार, आई एम रीडिंग टू योर कमेंट्स. ये प्रॉब्लम है ना, अगर एग्जाम में, एग्जाम में ये प्रॉब्लम अगर उनको पूछने गए, यानी आई एम द पेपर सेटर, मैं यहाँ पे 5 के जगह पे 4 या 3 डाल दूंगा. इफ आई एम द पेपर सेटर, मैक्स टू मैक्स मैं 4 डाल दूंगा, आई नॉट ट्रबल द स्टूडेंट्स विद 5. ओके, ठीक है, अभी टेक्स्ट बुक में दिया है, इसके लिए मैंने आपको करके दिया, बाकी कुछ नहीं. चलो आगे बढ़ते, लेट अस प्रोसीड. प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज इज 0.2. प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री, ओके, उसका फ्यूज आउट हो जाएगा, मतलब बल्ब खराब हो जाएगा आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज इज 0.2. ओके, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ बल्ब्स आउट ऑफ 5 दैट फ्यूजेस आउट आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज. क्वेश्चन पढ़ो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो अभी. एक्स क्या है? एक्स इज द नंबर ऑफ बल्ब्स आउट ऑफ 5. एक्स इज द नंबर ऑफ बल्ब्स, ओके, आउट ऑफ 5. तो मुझे बताओगे कोई कि एन क्या रह सकता है, हम लोग कितना बल्ब्स के लिए ये
एनालिसिस आगे बढ़ाने वाले हैं। एक्स इज आउट ऑफ फाइव, मतलब फाइव टाइम्स वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट, फाइव टाइम्स। ओके, पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब विल, अ क्यों लिख रहा हूं मैं, एन ऊपर फाइव बल्ब्स है, लेकिन हम लोग प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकाल रहे हैं, इन बायनोमियल वन बल्ब के लिए निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटीज इज ओनली फॉर वन, प्रोबेबिलिटीज इज ओनली फॉर वन ट्रायल, वन एक्सपेरिमेंट, वन आइटम। प्रोबेबिलिटीज बायनोमियल में इज ओनली फॉर वन ट्रायल, वन एक्सपेरिमेंट या वन आइटम, ठीक है। ओके, पी और क्यू की बात कर रहा हूं मैं, विल फ्यूज आउट After 200 days is equal to 0.2 2 upon 10. Okay, Q will be 1 minus P, which is 8 upon 10. ठीक है, चलो ये स्लाइड सबको समझा। ठीक है, नो फर्स्ट सब क्वेश्चन, आउट ऑफ फाइव बल्ब्स जीरो बल्ब्स विल फ्यूज आउट, आउट ऑफ फाइव बल्ब्स जीरो बल्ब्स विल फ्यूज आउट। सिंपल प्रॉब्लम है एकदम, वैल्यूज भी इसका बहुत यू नो अपने स्कोप में है, कि थोड़ा टीडियस नहीं घिरने वाला है अपने को। सो फर्स्ट वन, probability of x is equal to out of 5, 5 में से 5 बार में ये bulbs निकालने वाला हूँ, okay? 5 times I am going to consider the bulbs. So out of 5 times, 0 bulbs, out of 5 bulbs, 0 bulbs are going to fuse out after 200 days. N, C, X, P raised to X, Q raised to X. Okay? 5C, 0. P raised to X. What is P? 2 by 10. Raised to 0. 8 by 10 raised to, कोई बताएगा हमें? What is 8 by 10 raised to? 5. 8 by 10 raised to 5. 5 minus 0. What is 5C0? अभी तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि 5C0 क्या है? 1. ये भी 1. 8 raised to 5. 8 into 8 into 8 into 8, 5 times. चलो करके बताओ, 8 raised to 5, 64 into 64 into 8. Three, two, seven, six, eight. ओके, आंसर बताओ, फाइनल आंसर, फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। ऊपर 5 डिजिट है संस्कार, नीचे भी 5 जीरो है, कवर अप हो गया ना, तो 0.32768। एडिशनल जीरो नहीं आएगा ना, अगर नीचे सिक्स जीरो रहता था तो सिक्स जीरो को ऊपर एडजस्ट करने के लिए 0.0 आता था। अंडरस्टूड? ठीक है, या सेकंड, सेकेंड, जस्ट अ मिनट,
of x less than or equal to one. वन आएगा और कौन आएगा इसमें लेस देन और इक्वल टू वन. पांच में से लेस देन और इक्वल टू वन बल्ब विल फ्यूज आउट आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज. तो वन तो आएगा लेस देन और इक्वल टू वन प्लस व्हाट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. इक्वेशन नंबर वन. हैव वी कैलकुलेटेड दिस यस. ओके तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन कैलकुलेट करते हैं. विल जस्ट कैलकुलेट दिस. दिस इज एक्स एन सी एक्स पी रेस टू एक्स टू रेस टू एन माइनस एक्स. ओके सो फाइव सी ये सेल शो दो फिर प्रीवियस स्लाइड जल्दी देखो. Yeah, so phi c 1, okay, p kitna 2 by 2 raised to 1, 2 by 10 raised to 4, phi minus 1, 4. Phi c 1 kitna hota hai? What is phi c 1? Is it 5? Phi c 0 hamesha 1 rahega. Phi c 5 hamesha 1 rahega. Lekin phi c 1 will be 5. P और Q हर एक ट्रायल के लिए सेम रहेगा. फर्स्ट टाइम बल्ब निकालोगे तो P और Q सेम रहेगा. सेकेंड टाइम बल्ब निकालोगे तो भी P और Q सेम रहेगा. स्टार्टिंग में ही बताया मैंने. Q इज 8 by 10, सॉरी एंड थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. ओके दिस इज 2 by 10 इंटू 8 रेस टू 4. 8 रेस टू 4 का मतलब है 64 by 64. इसका आंसर है ना अपने पास ऑलरेडी. लेकिन मैं और एक वे से भी कर सकता हूँ. ये 5 2 जा 10 और ये 10 दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ. 64 बाय 64 लोग ने कैलकुलेट किया रहेगा. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. टोटल 64 बाय 64 इनटू 64 4096. सब रफ कैलकुलेशंस किधर ना किधर काम आ जाएंगे. प्रॉब्लम 0.4096 बराबर है. सो फ्रॉम 1 ऐड करो 0.16 एंड दिस विल बी 0. फ्रॉम 1 तुम लोग लिखो. यू आर गोइंग टू राइट फ्रॉम 1 x इक्वल टू 0 कितना. x इक्वल टू 0 32768. ओके चलो कैलकुलेट करो आंसर. आंसर कैलकुलेट करो. जीरो पॉइंट सेवन थ्री सेवन टू एट. ओके बराबर है कि ठीक है. Have you understood the first sub question? Second sub question? Let us proceed with the third sub question. Third sub question. P of x greater than 1. मतलब 1 से ज्यादा. 1 से ज्यादा कौन कौन है. 2, 3, 4, 5. Understood? ये समझा क्या ये.
ग्रेटर देन वन बल्ब्स मतलब इट कैन बी टू बल्ब्स, थ्री बल्ब्स, फोर बल्ब्स एंड फाइव बल्ब्स. ग्रेटर देन वन बोला है तो वन को इंक्लूड करने का क्या, यहाँ पे वन को इंक्लूड करने का नहीं करने का. अभी इतना सारा चीज कैलकुलेट करेंगे तो फिर इट विल टेक टाइम. इफ वी कैलकुलेट फोर फोर प्रॉबिलिटीज इट विल डेफिनेटली टेक टाइम. तो हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन सर्टन प्रॉबिलिटीज, वन से हम लोग माइनस करेंगे. इसके अंदर ये सेट के अंदर कौन सा प्रॉबिलिटीज नहीं है, विच प्रॉबिलिटीज आर नॉट देयर ओवर हियर, टू थ्री फोर फाइव है विच आर नॉट देयर, जीरो एंड वन करेक्ट परफेक्ट. जीरो एंड वन आर द प्रॉबिलिटीज विच आर नॉट देयर. वो तो वो दोनों प्रॉबिलिटीज को वन से माइनस करेंगे. वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम वन, क्योंकि सब प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सब प्रॉबिलिटीज को ऐड करके एंड में वन आता है. प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सब प्रॉबिलिटीज को ऐड करके एंड में वन आता है. सीडीएफ सबका वन है कि नहीं, सीडीएफ सबका वन आता है कि नहीं एंड में सब प्रॉबिलिटीज को ऐड करके. तो ये सब प्रॉबिलिटीज को मिलके, इसका एडिशन वन होता है कि नहीं. सीडीएफ का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसके लिए मैंने वन से माइनस किया है. ओके नाउ डू वी हैव दिस आंसर, पी ऑफ जीरो और वन ये दोनों का एडिशन मेरे पास है. प्रॉब्लम में हम लोग ने कैलकुलेट किया है कितना है, 0.73728. अभी कैलकुलेट किया ना हम लोगों ने, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड. आंसर क्या रहेगा, 0. बोलो टू सिक्स टू सेवन टू. टू सिक्स टू सेवन टू ठीक है. फोर्थ पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द फोर्थ पार्ट नाउ. अच्छा ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल लग रहा है क्या, ये देखो एमी मासी, मैं आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एंगल से बताता हूँ. पी ऑफ एक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5. ओके अभी देखो ये ग्रेटर देन वन मतलब ये चार बराबर है, 2, 3, 4, 5. सो 2, 3, 4, 5 ओके. बचा कौन, 0 और 1. तो 2, 3, 4, 5 का आंसर किधर से आएगा, 0 और 1 को माइनस करने का. कहाँ से, वन से माइनस करने का. क्यों वन से माइनस करने का, क्योंकि ये टोटल वन है, ये टोटल इसका, ये सबका टोटल वन है, सब प्रॉबिलिटीज का टोटल वन है. इसके लिए वन में से क्या माइनस करने का, 0 और 1. समझा गया, ठीक है. ऐसा केसेस आएंगे और डोंट वरी, यू गोइंग टू लर्न अ लॉट. पहले ये समझ समझ के लो. फोर्थ वन, फोर्थ सब क्वेश्चन, प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. सो एक्स इक्वल टू वन से शुरू करेंगे, कहाँ तक लग जाएंगे, विल कैरी दिस ऑन टिल वेयर, कहाँ तक. इक्वल टू वन बोला है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. सो वन टिल फाइव, क्यों फाइव, वाई नॉट मोर देन फाइव, फाइव से ज्यादा क्यों नहीं, फाइव तक ही क्यों, क्योंकि फाइव बल्ब्स का एक्सपेरिमेंट है ये, वी आर गोइंग टू डू दिस फॉर फाइव टाइम्स. ओके नाउ यू टेल मी बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस, ये इतना सारा प्रॉबिलिटीज कैलकुलेट करते बैठेंगे हम लोग एग्जाम में. नो ऑब्वियसली नॉट. तो हम लोग क्या करेंगे, वन में से माइनस करेंगे. यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट डालना जरूरी है. ये सेट में कोई कौन नहीं है, हु इज नॉट देयर इन दिस सेट, ये सेट के अंदर कौन नहीं है, जीरो नहीं है. सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. ओके वन माइनस P of x equal to 0 कितना है? What is P of x equal to 0? हम लोग ने प्रॉब्लम में किधर तो कैलकुलेट किया है ये P of x equal to 0. देखो यहाँ पे 0.32768.
ओके तो 0 पॉइंट कितना आएगा? ठीक है, 6 7 2 3 2, 6 7 2 3 2, फाइन। ठीक है, सो लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर, लेट्स टेक अ ब्रेक। इसका भी प्रीवियस स्लाइड, ये वाला चाहिए। सानिया आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, कुछ भी पूछते हो आप। एक्सप्लेनेशन इजी देगा तो भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ और वे में देगा तो भी आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो आपको मैथ्स नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, एंड आई एम गिविंग यू अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, 9:36 को मैं चालू करेगा। सी देयर आर 10 बॉल्स, वन, ये जो बॉल्स का सेक्शन है 0 1 2 3 4 से लेके 9, फर्स्ट इटरेशन में मैं एक बॉल निकालूंगा इसमें से, सेकेंड इटरेशन में मैं वापस एक बॉल निकालूंगा, ये सब बॉल्स में से कोई भी एक बॉल सिलेक्ट करने के, थर्ड ये सब बॉल्स में से 9 बॉल्स में से एक बॉल सिलेक्ट करने के, फोर्थ इटरेशन में, फोर्थ टाइम ऑल्सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट 1 बॉल। समझा क्या तुम लोग को? फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ठीक है? सो एन इज इक्वल टू 4, पी प्रोबेबिलिटी दैट नन मार्क्ड इज 0, नन मार्क्ड इज 0, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 0 ऑन द बॉल, मतलब एक बॉल हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर 0 आएगा, 0 आएगा ऐसा बॉल के ऊपर, ऐसा कितना इवेंट है बॉल के ऊपर 0 दिखेगा, ऐसा कितना इवेंट है? टोटल बॉल्स कितना है? 10, 0 to 9, 0 to 9 ये 10 इवेंट है, तो ऊपर 0 दिखेगा बॉल के ऊपर, ऐसा कितना बॉल्स है? एक बॉल है ना जिसके ऊपर 0 दिखेगा, आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल बॉल्स, आउट ऑफ टोटल बॉल्स, ओके, तो क्यू क्या रहेगा? 1 माइनस पी, 9/10, क्यू विल बी 1 माइनस पी, 9/10, ठीक है? चलो ये स्लाइड क्लियर है सब लोग को? यस,
Now, four times we are going to conduct the experiment. और four में से none, none का मतलब क्या है? None. चार बार हम लोग ये experiment conduct करने वाले हैं. बॉल पुल आउट करना है. Out of 10 balls, चार बार हम लोग एक एक बॉल निकालने वाले हैं. तो एक भी बार जीरो नहीं आएगा. Not even a single time it will be zero. Not even a single time zero number का ball नहीं आएगा. एक भी बार जीरो नहीं आएगा. So what probability they are asking? Can someone tell me? Very simple. Zero times we are going to get zero. Zero times we are going to get zero. NCX, P raised to X, Q raised to N minus X. NCX, P raised to X, Q raised to N minus X. None का मतलब है जीरो. Probability that none is mark zero. इसमें greater than, lesser than का तो सवाल ही नहीं आता है. None times मतलब zero times. Okay? 4C zero. 1 upon 10 raised to zero. 9 upon 10 raised to 4. 4C zero is 1. 10C zero is 1. 9 upon 4. 9 raised to 4. 81 into 18. बोलो कितना है? 81 into 81. Problem is over. ये देखो लास्ट स्लाइड वहां पे गया. वन सेकेंड. ये देखो सानिया, आई हैव ऑलरेडी सेड यू नो. अगर किसी ने आपको नो बोल दिया तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट. आपको आदत हो गए. इफ यू वॉन्ट हेल्प यू कैन टेक इट फ्रॉम समवन एल्स, नॉट मी. क्वेश्चन नंबर 7. Don't waste my time, please. Question number 7. In a multiple choice test with 3 possible answers for each of the 5 questions. Abhi dekho, ye barabar se suno. Question number 7 ka first line barabar se padho. Multiple choice test hai, with 3 possible answers. Chahiye to rough mein ye likhna jo main likh raha hu. Aisa multiple choice kitna questions hai? I'm not asking answers, I'm asking questions. Acha, last slide copy nahi kiya. Sorry. जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. ऐसा कितना क्वेश्चन है, उन लोगों ने कितना क्वेश्चन दिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. 5 क्वेश्चन आ गए. एन इज इक्वल टू 5. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 3 ऑप्शन है ए बी सी. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी 3 ऑप्शन है ए बी सी. तीनों ऑप्शन राइट रहेगा क्या? कोई भी एक ऑप्शन अपने को मार्क करने का रहता है, राइट ना?
या मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत जन को समझ में नहीं आ सकता। ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन से, हर एक क्वेश्चन में कितना पॉसिबल आंसर है, 3 पॉसिबल आंसर है, लेकिन राइट आंसर कितना रहेगा? क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा 3 पॉसिबल आंसर, लेकिन राइट कितना रहेगा? एक ही आंसर राइट रहेगा, एक ही आंसर राइट रहेगा। ठीक है, चलो इतना फंडा समझा गया, फर्स्ट लाइन प्रॉब्लम का समझा तुम लोग को। एन इक्वल टू 5 और हर एक क्वेश्चन में दे रहा 3 ऑप्शन, 3 में से एक तो राइट रहेगा। अभी देखो, ये कॉपी करो प्लीज, जल्दी जल्दी कॉपी करो। ये एग्जाम में ये पार्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा। ये मैं एग्जाम्पल लो, शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? आगे का प्रॉब्लम पढ़ के लो, जिसको अब जिसका हो गया आगे का प्रॉब्लम, प्लीज रीड इट केयरफुली। ओके, पी इज द प्रॉबिलिटी of getting a right answer, a correct answer I should say, as per the problem, in what? कोई बता सकता है मुझे? In correct answer in what? Nikhil wrong. इन वन क्वेश्चन, पी और क्यू हमेशा एक चीज के लिए रहते हैं ना, एक आइटम के लिए या एक ट्रायल के लिए, एक एक्सपेरिमेंट के लिए। अच्छा अभी मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट आंसर इन वन क्वेश्चन। 3 ऑप्शन है, ए बी सी 3 ऑप्शन है, ए बी सी 3 ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन देखो या कोई भी क्वेश्चन देखो, 3 ऑप्शन है। राइट आंसर कितना रहेगा तीनों में से? एक ही रहेगा। आउट ऑफ हाउ मेनी, आउट ऑफ हाउ मेनी ऑप्शंस? आउट ऑफ 3 ऑप्शंस, करेक्ट? अंडरस्टूड? ओके, समझ गए तुम लोगों ये? ओके, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P विच इज इक्वल टू 2/3। P इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P विच इज इक्वल टू 2/3। ओके, राइट चलो इतना क्लियर है क्या? ओके, नाउ अभी हम लोग एक नहीं 5 क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर्स? 4 और मोर करेक्ट आंसर्स, बीच में कौन सा साइन आएगा? 4 और मोर करेक्ट आंसर्स बाय रैंडम चॉइस, बोलो। 4 और मोर करेक्ट आंसर्स, बीच में कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू 4 या मोर देन 4? ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस, कोई बताएगा?
या फिर 5, ठीक है? ओके, 4 or more, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 5, राइट? ये देख भाई, हमें किसी एक क्वेश्चन के बारे में सोच। तीन ऑप्शन है तेरे सामने, तेरे पास तीन ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर कितना रहेगा? इसमें से राइट आंसर कितना रहेगा? ए बी सी में से तेरे को एक एक चीज राइट चाहिए, तो कितना राइट आंसर्स रहता है इसमें? जल्दी बोलो। इसमें से एक ही राइट आंसर रहेगा, आउट ऑफ हाउ मेनी ऑप्शंस, कितना ऑप्शंस है तेरे सामने? तीन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट आंसर और राइट आंसर इज 1/3, ओके? ठीक है, नाउ वी आर ओनली सपोज टू कैलकुलेट टू प्रोबेबिलिटीज, तो वन से माइनस करने का जरूरत नहीं है, वन से माइनस करने का जरूरत है नहीं। इक्वेशन नंबर वन, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4, ओके? अच्छा अभी एक बात बोलो मुझे, ये 1/3 को नीचे 10 या 100 बना सकता हो क्या? 1/3 को नीचे 10 या 100 बना सकता हो? नो, तो ज्यादा सोचो मत उसके पीछे, ओके? सो दिस इज एक्स, एन सी एक्स, पी रेस टू एक्स, क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ओके? एन कितना है? व्हाट इज एन? 5, 5c4, 1/3 raised to 4, 2/3 raised to 1, बराबर है क्या? हैव आई रिटन करेक्टली गाइस? Yes. समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? थोड़ा फीडबैक दो प्लीज, अदरवाइज आई विल गो ऑन थिंग एंड प्रॉब्लम हो जाएगा फिर आगे जाके। समझ में आ रहा है ना? प्लीज गिव मी योर फीडबैक। पाइसी फोर वैल्यू कितना, किसी ने कैलकुलेट किया है फोर का वैल्यू? फाइव, करेक्ट। फाइव फोर इज 5, 1/3 raised to 4, 3 raised to 4 81 होता है, बराबर ना? 3 raised to 4 इज 81 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ओके? सो 10/243। डिवीजन डिफिकल्ट है, डिवीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लीव इट एज इट इज। ये फाइनल आंसर नहीं है, ये x is equal to 4 का आंसर है। लेट अस गो विद x is equal to 5। ओके, एन सी एक्स, पी रेस टू एक्स, क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, 5c5, 1/3 raised to 5, 2/3 raised to 5 माइनस 5, दैट इज 0, बराबर है?
बराबर है क्या? व्हाट इज 5C5? एनीवन कैलकुलेट करके बोलो, आई विल गिव यू टाइम। वन, 5C5 इज वन, 1/3 raised to 5 इज 1/243, राइट ना? 5C5 इज वन, 1/243 इंटू वन, ओके, सो दिस इज 1/243, ओके, सो फ्रॉम वन पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 11/243, सॉरी 10/243 प्लस 1/243, 11/243, डिवीजन इज डिफिकल्ट, छोड़ देना आंसर, ये फ्रैक्शन पे छोड़ दो। ठीक है, यस, आई विल शो द प्रीवियस स्लाइड, देखो बोलो बाइनोमियल कैसा लग रहा है, एक्सेप्ट वन और टू प्रॉब्लम्स जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी था, लेकिन कनेक्ट हो रहा है क्या आपका, आपका फ्यूज कनेक्ट हो रहा है कि उड़ रहा है फ्यूज? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8, डीएन नगर ब्रांच से कौन प्रेजेंट है? डीएन नगर ब्रांच, यस, डीएन नगर ब्रांच, हु ऑल आर प्रेजेंट? डीएन नगर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट? जेबी नगर, जेबी नगर, घटकोपर, ठीक है, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 8, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 sixes इन 6 throws ऑफ अ सिंगल डाई, 3-4 times ये प्रॉब्लम पढ़ो, जस्ट रीड द प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, यू प्लीज रीड इट, अच्छे से पढ़ो एकदम धीरे धीरे। एन का वैल्यू कोई बताएगा? एन का वैल्यू सिक्स, देर आर 6 थ्रोज टोटल,
ओके, हम लोग जब भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितना थ्रोस के लिए निकालेंगे, मतलब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज पी क्यू किसके लिए रहेगा, एक थ्रो के लिए रहेगा, एक थ्रो के लिए. ओके सो पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सिक्स इन वन थ्रो. Probability of getting a six in one throw. ओके, तो ऊपर नंबर सिक्स दिखेगा, ऐसा कितना इवेंट्स है? वन आउट ऑफ हाउ मेनी इवेंट्स, आउट ऑफ हाउ मेनी इवेंट्स? सिक्स इवेंट्स, करेक्ट, आउट ऑफ सिक्स इवेंट्स. ठीक है, तो क्यू क्या रहेगा? वन माइनस पी, फाइव बाय सिक्स. क्यू विल बी वन माइनस पी, फाइव बाय सिक्स. ठीक है, नाउ देखो, कॉपी करो, दोज वर हॉस्टेल कॉपिंग, प्लीज कॉपी. ठीक है, तो इसके आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट टू सिक्सेस. एटमोस्ट का मतलब क्या है? एटमोस्ट का मतलब क्या? लेसर देन और इक्वल टू, करेक्ट, लेसर देन और इक्वल टू. सो टू वन, टू को कम करते जाओ, लेसर देन बोला है ना, और जीरो. इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. एन कितना है? सिक्स थ्रोज बोला है ना, तो सिक्स सी टू वन अपॉन सिक्स रेस टू टू. ओके, फाइव अपॉन सिक्स रेस टू सिक्स माइनस टू, दैट इज फोर. चलो, समझ में आ रहा है तुम लोग को ये? समझ में आ रहा है? विक्रोली ब्रांच स्टूडेंट्स कौन प्रेजेंट है? सिक्स सी टू, कोई आंसर बताएगा सिक्स सी टू का? सिक्स सी टू का कोई आंसर बताएगा? फिफ्टीन है उसका आंसर, फिफ्टीन, वन अपॉन थर्टी सिक्स. ओके, फाइव रेस टू फोर सिक्स, ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स. सिक्स रेस टू फोर मतलब थर्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स कितना होता है? थर्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स वन टू नाइन सिक्स. ओके, चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, टेल मी द आंसर. रिड्यूस कुछ मत करो, डोंट रिड्यूस एनीथिंग, सिर्फ करो और बोलो मुझे, रिड्यूस कुछ मत करो. 15 अपॉन 36 वी कैन ऑल्सो रिड्यूस, 5 अपॉन 12 हो सकता हो, रिड्यूस मत करो, उसका फायदा तुम लोग को पता चलेगा बाद में. ऊपर क्या आएगा? 625 इंटू 15 9375. ओके, 126 इंटू 36
1296 इंटू 36 कितना होता है? फोर सिक्स सिक्स नाइन सिक्स. क्लियर है? डोंट रिड्यूस, ऐसे ही रख दो. सबसे एंड में फाइनल आंसर में रिड्यूस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही रखो. नो प्रॉब्लम रोमिल. Yes. Have we done x equal to 2? Have we done x equal to 2? क्या हम लोग x equal to 1 चालू करते हैं? Should we start with that? x equal to 1. Okay. So we'll start with x equal to 1, ncx, p raised to x, q raised to n minus x, 6c1, 1 upon 6 raised to 1, then 5 upon 6 raised to 6 minus 1, that is 5. 6c1 is 6, 1 upon 6, cancel mat karo, 5 raised to 5, 25 into 25 into 5. 5 raised to 5 is 25 into 25 into 5. मतलब 6 25 into 5. कितना होता है? 3 1 to 5. 5. Okay. और ये 6 into 6 into 6 into 6 5 times. ओके तो ये चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस. 4 6 5 4 6 6 5 6 इसके लिए बोल रहा हूँ रिड्यूस मत करो, इसको मल्टीप्लाई करो. कितना आता है? 18750. ठीक है, डोंट रिड्यूस. एक्स इक्वल टू 2 हो गया, एक्स इक्वल टू 1 हो गया. नाउ शुड आई गो अहेड विद एक्स इक्वल टू 0? Yes, should I go ahead with x equal to 0? Two हो गया, one हो गया, अभी x equal to 0. ये ऊपर वाला right है क्या? ये 3125 into 6, 18750. ठीक है, चलो p ऑफ x इक्वल टू 0, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, 6c0,
ओके ये वन है, ये वन है, 5:6 अपॉन 6:6, 4:6:6:5:6, 5:6, मतलब जो 3:1:2:5 आया था, इधर गया वो। हाँ, इसको हम लोग और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 5:6 कितना होता है? 25 × 25 × 25, या फिर 3:1:25 × 5 कितना होता है बोलो? 15625, 15625, ओके फाइन। ओके सो दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो। अब फ्रॉम वन तीनों को ऐड करते, एक्स इक्वल टू टू कितना था? एक्स इक्वल टू टू 9375 अपॉन 4:6:6:5:6 प्लस 18750 प्लस 1:6:1:5:6:2:5 कितना होता है? ऐड करो चलो। 4:3:7:5:0 4:6:6:5:6। चलो रिड्यूस करते हैं अभी। नाउ वी विल रिड्यूस। ऊपर वाला 5 से डिविजिबल है लेकिन नीचे वाला 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 से रिड्यूस करते हैं। करो थोड़ा मेहनत करो, अच्छा थोड़ा स्किल्स बढ़ जाएगा तुम लोग का। 2 2 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 7 जा 2 5 जा, बराबर ना? 2 1 8 7 5, चेक करो, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो। और नीचे क्या आएगा? 2 3 3 2 8, बराबर है? ऊपर वाला और नीचे वाला 3 से डिविजिबल है क्या? ऊपर वाला नीचे वाला 3 से डिविजिबल? सेवन से डिविजिबल है? सेवन से डिविजिबल है क्या? ऊपर नीचे तो ऊपर सेवन से डिवाइड करो। चलो ऊपर सेवन से, 7 3 जा 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 7 5 जा, ओके 7 3 जा 21 23, 7 3 जा 21 22, 7 3 जा, ये नीचे वाला है क्या 7 से डिविजिबल? हाँ तो पहले हाँ कौन बोल रहा मेरे को, टाइम वेस्ट कर रहे। नीचे 2 7 डिविजिबल रहना चाहिए ना, ठीक है? सो आई थिंक 11 से ट्राई करो, 11 11 और 13 से ट्राई करो,
उतना रहेगा तो होने दो, नहीं तो जाए तो, ये दिस विल बी द फाइनल आंसर। और न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहना चाहिए डिनोमिनेटर से। प्रोबेबिलिटी है इक्वल या छोटा रहना चाहिए, ठीक है? ओके आज के लिए इतना काफी है। बोलो। ठीक है, यस। सो द लेक्चर इज ओवर, बाय।